जिला गुरदासपुर के कस्बा श्री हरगोबिंदपुर के पिंड विठवां विच वाटर सप्लाई के 50 रुपए के बिल नूं लैके गुंडागर्दी देखण नूं मिली। जानकारी दिंदिआं पीड़ित बलविंदर सिंह ने दस्सिआ कि उह अपने अफसर के नाल पिंड विचों पाणी का बिल इकट्ठा करन लई गिआ सी। जदों इक घर विच गिआ तां परिवार ने पैसे देण दी बजाए उन्हां नाल गाली गलोच करना शुरू कर दिता अते कुछ समय बाद उस परिवार वल्लों ही अपने 20 तों 25 साथियां नूं नाल लैके उस दे घर ते हमला कर दिता अते उसदे पिता अते पत्नी की भी कुटमार की। उसने दोष लगाया कि हमला वालों हवाई फायर भी किए गए हैं, जिस तों बाद पुलिस वालों मामला तो दर्ज कर लिया गया पर 4 दिन बीतण के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस दे कारण हमलावर वालों उसनू अजे भी जानों मारन दीआं धमकियां दित्तियां जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशासन तो मांग की कि इन्हां लोगों के खिलाफ जल्द तो जल्द कार्रवाई की जाए। दूजे पास जो इस मामले में नामजद नौजवानों की माता नाल गलबात की गई तो उसने सारे इल्जामों नकारते हुए कहा कि उन्होंने बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उल्टा मामला दर्ज करवाने वालों वालों उन्होंने घर आ के गोलियां चलाईया गई। उन्होंने कहा कि वह प्रशासन तो मांग करते हैं कि उन्होंने इंसाफ दिता जाए। उत्थे जदों थाना इंचार्ज बलजीत कौर नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़ित बलविंदर सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज करके दो व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि कुछ अणपछाते भी हमले के दोषी हैं। गुरदासपुर तो लवप्रीत खुशीपुर की रिपोर्ट। अभी घर टूटिया के पैसे लैन आए थे, मैं आख्या भी मैं सरपंच ने गल करके ना तो मैं एक टूटी घटा देनी है तो एक दे मैं पैसे दऊंगी तो बड़ा भाजी वध घट बोले उन्होंने कनैक्शन कट के लै जो सामन आ जाएंगे ते हो जो जे हो जो तो मैं कोई गल नहीं आ जाएंगे सामन तो मैं मेरे घर ही आने कोई गल नहीं हाथ चलाकी हुई बड़ी कि बड़ा वध घट मैनू बोले मैं फिर बर्दाश्त कर लिया मैं फिर मरीज का करके वेखो मैं फिर गांह पछाण ही हुई कि हाँ जी गुंडागर्दी की उन्हें भाजी अपने को कर कतर के तो मुड़ के मेरे बच्चियों का ना लाता भी ये कर गए आ रात में साढ़े घर आए आ रात में गोली जिदा पा चला के चले गए तो मैं आख्या मैं भी साढ़े घर गोली चली 100 नंबर से फोन लाया तो चुकया ही ना किसी ने पहला फिर बाद चुकया फिर उन्हें बलजीत कौर ना गल कर मैं बलजीत कौर ना गल की तो वह आई है रात में वह सगों आण के आँदी नहीं ये ताडे बच्चिया ने किया मैं मैडम मेरे बच्चिया ने कितों किया मैंने मेरे बच्चे देने जोगे है ही नहीं गया अपना काम धंधा कर झूठा ला झूठा ही भाजी की मांगे तुहाडी मांगे है कि मैंने साफ चाहिदा रिपोर्ट भाजी अहीं की दस्या उन्होंने गाड़ी कोई हड़ी कार्रवाई नहीं की अफसर कहे हो मैंने साफ चाहिदा वाहन मेरे बच्चों के झूठा लजाम लगता मैंने साफ चाहिदा मेरे बच्चों का भी जान के इन्होंने कार्रवाई। मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी, मैं पिंड विठवां का रहने वाला हाँ जी। मैं पिंड पानी वाली टैंकी से काम करना हाँ जी। जदों मैं पानी का बिल घरां तो नाल सरकारी मुलाजम के घरां तो लैण वास्ते गया हाँ जी। जदों मैं मनप्रीत सिंह मन्नू पुत्र गुरदेव सिंह के घर गया हाँ उन्होंने मैनू काफ़ी गाली गलोच किया जाति सूचक शब्द भी बोले आ जी। उस तो बाद वो मेरे मगर दातर लैके भजे आ जदों मैं किसी के घर वड़ के अपनी जान बचाई तो बाद विच मैं 100 112 ते भी कॉल करके जी कंप्लेन की आ फिर मैं अपने घर आ गया वा। अपने घर आण के मैं अपनी घरवाली की दवाई लैण वास्ते जो कि 7 महीने की प्रैगनेंट आ घरों अजे निकल नहीं लगा वा जी तो मैनू इन्ने 7-8 गड्डिया जिन्हों विचों 30-35 बंदे निकले आ विद हथियार के नाल जिन्हों को पिस्टल रफलों दातर कृपाना भी सी उन्होंने मैनू गेट चो अंदर वालों ही धक्क लिया वा तो मेरी तो मेरी घरवाली की तो मेरे पिता जी की कुटमार की आ जिदे मेरी जनानी भी धक्के मारे आ जिन्हों की पछाण कुछ उन्होंने हवाई फायर किए आ एक दो फायर उन्होंने सीधे भी मारे आ तीन जिन्हें अं पुलिस पर पुलिस वाले जी धोखे भी दे चुके हैं जिन्हों चो 4-5 बंद मैं पछाणदा वा एक का नाँ जी मनप्रीत मन्नू पुत्र गुरदेव सिंह तो उहदा ब्रदर नवजोत सिंह तो सोनू पुत्र बिट्टू ते मनराज सिंह सैनो परमजीत सिंह ये साढ़े पिंड दे है जी। एक विचों जिहड़ा मनराज है जी वह पिंड भाम का रहने वाला आ साडी यही मंग है जी अज 4-5 दिन बीत गए है जी अजे तक पुलिस ने एक भी बंदा अरैसट नहीं किया मैनू हुण तक भी धमकियां आ रही वा कि तू अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले ला नहीं तो अं तेरा जानी माली नुकसान करांगे। हाँ जी मेरा नाम अजीत सिंह मैं सारे अपनी जात बरादरी वालों सारिया दिन पक्ता से एक बहुत अनकूणी हरकत हुई आ जिद अणपछाते 35-40 व्यक्ति बाहरों आए और लैस हथियार के नाल साढ़े पिंड च इन्ना पहला माहौल शांत सी जिस तरह ये बच्चों ने गोलियां आन के बाहरों अणपछात्या ने चलाईया साढ़े पिंड का माहौल बिल्कुल सहमया हो
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਮਿਆ ਪਿਆ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੌਰ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੜੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਠਾਹ ਠਾਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਠਾਹ ਕਰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਕਰਦੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਜਣੇ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 3-3-4-4 ਬੰਦੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਠਾਹ ਠਾਹ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਔਰ DC SP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ FIR 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? 3-2 ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਰ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੁਛ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਣਪਛਾਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-12 ਬੰਦੇ ਲਿਖਾਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ? ਬਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ।